गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटे। गुड इवनिंग मोनिका। गुड इवनिंग। हाँ बेटे, मोनिका आज कॉलेज आई थी क्या मैम हम बीएड वाले कॉलेज नहीं जाते हैं। बेटा? अच्छा बेटा, 1 अप्रैल से आएंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 1 अप्रैल से तो आप लोग भी आ जाओगे बेटा मोनिका। यस मैम। आज अपन करेंगे डायवर्सिटी लीफ साइज एंड शेप, पर्ण आकृति एवं परिमाप में विविधता। ये आपके तीसरा यूनिट में है बेटा। वैसे तो एक तरह से कंप्लीट ही हो गया है मोनिका, और एब्सिशन लीफ एब्सिशन और सेंसेस भी करा देंगे। फिर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना, है ना? और तो फिर कॉलेज आओगे जब अपन मिलेंगे। चंदा चला बढ़िया, सीमा चौधरी, चंदा चला बढ़िया, मोनिका। भावना चेल्सी, भावना चेल्सी। आज कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अपन? ले रहे हैं डायवर्सिटी इन लीफ साइज एंड शेप, पर्ण आकृति एवं परिमाप में। मैम एक मिनट बेटा, पर्ण आकृति। आपने, हाँ बेटा बोलो। मैम ऐसे बोल रहे थे आप लोग जो प्रैक्टिकल में स्टार्च सेलुलोज के वो है ना मैम, वो समझ नहीं आया, वो कैसे करेंगे हम? स्टार सेल्यूलोस के मैं एक बार आऊंगी कॉलेज आपको जब बता दूंगी, और प्रैक्टिकल तो कर लो बेटा, और तो कर लिए मैम। कर लिए तो ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाले भी कर लो, जो मैंने लगाए वो भी कर लो बेटा। ठीक है मैम। ठीक है बेटा, अभी अपन कर लेते हैं डायवर्सिटी इन लीफ साइज एंड शेप, पर्ण आकृति एवं परिमाप में विविधता। तो विभिन्न पौधों में पाई जाने वाली पत्तियों की आकृति एवं परिमाप में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है।
यहाँ तक कि कभी कभी तो वातावरण परिस्थितियों में थोड़े से बदलाव के कारण भी एक ही पौधे में विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली पत्तियों की बाह्य आकारिकी में भिन्नता दिखाई देती है। तो वैसे एक ही पौधे पर पाई जाने वाली सभी हरी पत्तियां एक ही प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ जलीय पौधे, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि रेनेनक्यूलस एक्यूटेलिस, रेनेनक्यूलस एक्यूटेलिस एवं लिम्नोफिला लिम्नोफिला इंडिका में, जो कि आंशिक रूप से जल निमग्न रहते हैं, विषम पर्णिता हिट्रोफिली का रोचक लक्षण पाया जाता है। कहने का मतलब है हिट्रोफिली विषम पर्णिता किसमें पाई जाती है, विषम पर्णिता रेनेनक्यूलस एक्यूटेलिस में पाई जाती है व लिम्नोफिला इंडिका में भी पाई जाती है। तो इन पौधों में दो प्रकार की पत्तियां मिलती हैं। हिट्रोफिली का मतलब है इन पौधों में दो प्रकार की पत्तियां मिलती हैं, जल निमग्न भाग की पत्तियां अशाखित एवं कटी फटी होती हैं, दूसरी ओर पौधे के वायवीय भाग की पत्तियां अशाखित एवं अच्छिन्न कोर होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पौधे जैसे कौन से हैं, पेली योनिया डेवेनाना इत्यादि एन आइसोफिलस होते हैं, अर्थात इनकी एक पर्व संधि पर दो सम्मुख पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन ये बराबर साइज की ना होकर छोटी बड़ी होती हैं। वैसे आवृत बीजी पौधों में इस प्रकार की स्थिति बहुत कम पाई जाती है। हिमानी यादव भी आ गई, रेखा चौधरी भी आ गई। तो विभिन्न पौधों में पर्ण आकृति एवं परिमाप में विविधता इनके पर्यावरण एवं आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर करते हैं। कुछ पौधों में तो पत्तियां बहुत छोटे आकार के शल्क पत्रों के रूप में होती हैं अथवा कांटों में रूपांतरित हो जाती है। बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स या तो छोटे आकार की होती हैं या छोटे आकार के शल्क पत्रों के रूप में होती हैं या लीव्स कांटों में स्पाइन्स में रूपांतरित हो जाती है, जबकि पामी या ताड़ कुल के पौधों में पत्तियों की आकृति काफी विशाल होती है। तो एक है राफिया राफिया टिडीगेरा, राफिया टिडीगेरा नामक ताड़ वृक्ष में पत्ती के पर्ण वृंथ की लंबाई ही लगभग 4.5 मीटर होती है। और इसी क्रम में एक उदाहरण है जिसका नाम है विक्टोरिया रेजिया नामक जलीय पौधे का लिया जा सकता है, जिसकी पत्तियां कमल के समान होती हैं। किसका नाम लिया है, विक्टोरिया रेजिया। ये विक्टोरिया रेजिया क्या है, जलीय पौधा है, मतलब एक्वेटिक प्लांट है। और इस विक्टोरिया रेजिया नामक जलीय पौधे की पत्तियां कमल के समान होती हैं तथा इनका व्यास लगभग 4 मीटर होता है और इनके उपांतीय सिरे मार्जिन्स ऊंचे उठे हुए होते हैं तथा ये पानी में पड़े विशालकाय थाल के समान प्रतीत होते हैं। अब बात करेंगे अपन पत्तियों का विन्यास क्रम। तो पहला है बेटा स्तंभिक, कोलाइन से आप क्या समझते हो, एक है स्तंभिक व शाखीय, कोलाइन एंड रेमल, तीसरी है मूलस रेडिकल। तो पहले बात करते हैं कोलाइन। तो ऐसी पत्तियां जो केवल मुख्य तने पर ही लगती हैं उन्हें स्तंभिक कहते हैं, कोलाइन कहते हैं। कोलाइन से क्या मतलब है, ऐसी पत्तियां जो केवल मुख्य तने पर ही लगती हैं जैसे खजूर व साइकस में। दूसरा है बेटा कोलाइन एंड रेमल, तो ऐसी पत्तियां जो मुख्य तने व शाखाओं दोनों पर लगती हैं उन्हें स्तंभिक व शाखीय पत्तियां कहते हैं, जैसे कि आम में। इसी प्रकार है मूलस रेडिकल, तो वह पत्तियां जो समानीत भूमिगत तने से उत्पन्न होती हैं उसे रेडिकल पत्तियां कहते हैं। लवली राज भी आ गई हैं,
जैसे मूली रेफेनस में। अब फिलोटेक्सी क्या होती है, पर्ण विन्यास क्या होता है, तो तने पर पत्तियों के लगने का व्यवस्था क्रम, तने पर पत्तियों के लगने का व्यवस्था क्रम पर्ण विन्यास कहलाता है। और यह पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है एकांतरित, ठीक है, तो एकांतरित पर्ण विन्यास होता है। एक आप जानते हो कि अपन बात करेंगे अपोजिट पर्ण विन्यास, तो पहले बात करते हैं एकांतरित, जब प्रत्येक पर्व संधि पर केवल एक ही पत्ती विकसित होती है जैसे रेनिनक्यूलस में, तो यह अल्टरनेट एकांतरित एकांतरित व्यवस्था क्रम कहलाता है। तो इस हाँ बेटा लवली राज की भी लगा दी, प्रियंका चौधरी की भी लगा दी, हिमानी रेखा मोनिका सीमा चौधरी लगा दी बेटा, थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। तो इस प्रकार के मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एकांतरित अल्टरनेट मैनर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास में मतलब अल्टरनेट पर्ण विन्यास में एक पर्व संधि पर केवल एक ही पत्ती तने से जुड़ी रहती है। आवृत बीजी पौधों में इस प्रकार का पर्ण विन्यास सबसे अधिक पाया जाता है। तो पौधों पौधे को ऊपर से देखने पर सभी पत्तियां एक निश्चित संख्या में पंक्तियों में दिखाई देती हैं या दृष्टिगोचर होती हैं एवं एक के बाद एक लगी हुई दो पत्तियों में बराबर कोणीय दूरी पाई जाती है। तो इस प्रकार तने या शाखा पर लगी हुई सभी पत्तियों के आधार बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर एक सर्पिलाकार रेखा जैसी आकृति बन जाती है। इसे जेनेटिक स्पाइरल लेन कहते हैं, इसे पत्र संधि सर्पिल रेखा कहते हैं। इस प्रकार की रेखाकार आकृति को कागज पर चित्र के रूप में उतारकर पत्तियों का पारस्परिक संलग्न आसानी से परिलक्षित किया जा सकता है। एक के बाद एक क्रम में दो लगातार पत्तियों द्वारा केंद्र में बनने वाले कोण को एंगुलर डाइवर्जेंस कहते हैं और एंगुलर डाइवर्जेंस को कोणीय प्रतिशलन को। एंगुलर डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, पहली पत्ती के ठीक ऊपर आने वाले चक्रों की संख्या, पहली पत्ती के ठीक ऊपर आने वाले चक्रों की संख्या डिवाइडेड बाय उपयुक्त चक्रों में मौजूद पत्तियों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो अब अपन देखेंगे बहुधा एकांतर पर्ण विन्यास को भिन्नता बहुधा एकांतर पर्ण विन्यास को उपयुक्त भिन्नात्मक संख्या के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। इस विवरण के आधार पर पौधों की पत्तियों में निम्न प्रकार के एकांतरित विन्यास पाए जाते हैं। एक तो है बेटा दिस्टिकस, एक है दिस्टिकस मतलब द्विपंक्तिक एकांतर विन्यास। तो यहाँ एक पत्र संधि सर्पिल रेखा में दो पंक्तियां होती हैं, इस प्रकार पहली पत्ती के ठीक ऊपर या उसकी सीध में तीसरी पत्ती व दूसरी पत्ती की सीध में चौथी पत्ती होती है जैसे गेहूं। मतलब किसमें की बात कर रहे हैं बेटा, डिस्टिकस द्विपंक्तिक एकांतर विन्यास की। तो यहाँ क्या होता है, इस प्रकार पहली पत्ती के ठीक ऊपर या उसकी सीध में तीसरी पत्ती व दूसरी पत्ती की सीध में चौथी पत्ती होती है जैसे कि गेहूं की बात करते हैं। दूसरा है बेटा, एक है ट्राइस्टिकस, तो ये है त्रिपंक्ति। तो इस पर्ण विन्यास में एक पत्र संधि सर्पिल के एक चक्र में तीन पत्तियां मौजूद होती हैं तथा पहली पत्ती के ठीक ऊपर चौथी पत्ती दिखाई देती है एवं कोणीय डाइवर्जेंस 120 डिग्री होता है जैसे कि साइपेरस ट्राइसेप्स में, ठीक है।
तीसरी बात करते हैं अपन पेंटास्टिकस, मतलब पंच पंक्तिक, पंच पंक्तिक, टू ओब्लिक फाइव, टू ओब्लिक फाइव का मतलब है अथवा पंच पंक्तिक पेंटास्टिकस। तो इस प्रकार के पत्र संधि सर्पिल के दो चक्रों में पांच पत्तियां पाई जाती हैं। इसमें पहली पत्ती के ठीक ऊपर या सीध में छठी पत्ती पाई जाती है। इसका कोणीय डाइवर्जेंस 144 डिग्री होता है, जैसे कि गुड़हल मतलब चाइना रोज में। अब बात करते हैं सम्मुख पत्ती क्या होती है, जब अपोजिट, जब प्रत्येक पर्व संधि पर दो पत्तियां जोड़े के, दो पत्तियां जोड़े में आमने सामने विकसित होती हैं, अर्थात युग्म या जोड़े में लगती हैं, तो इसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। मतलब अपोजिट पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, जब प्रत्येक पर्व संधि पर दो पत्तियां जोड़े में आमने सामने विकसित होती हैं, अर्थात युग्म या जोड़े में लगती हैं, तो इसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे कि एक जोड़ा में, ठीक है, एक है अपोजिट एंड डिकासेट, सम्मुख व क्रॉसित का से क्या मतलब है, जब पत्तियों का जोड़ा अपने से ऊपर या नीचे की पत्तियों के जोड़े के साथ समकोण बनाता है, तो इसे सम्मुख व क्रॉसित, अपोजिट एंड डिकासेट पर्ण विन्यास कहते हैं, और ये आंकड़े में कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। नेक्स्ट है अपोजिट एंड सुपरपोज्ड, अभ्यारोपित। तो अभ्यारोपित पर्ण विन्यास से आप क्या समझते हो, जब प्रत्येक जोड़े की पत्तियां अपने से ठीक पहले जोड़े की पत्तियों के ऊपर होती हैं तथा एक ही तल में हो जाती हैं, जैसे कि अमरूद व ट्राइडेक्स में। एक है बेटा चक्रिक वर्ल्ड, चक्रिक किसे कहते हैं, जब प्रत्येक पर्व संधि पर दो से अधिक पत्तियां होती हैं, तो एक सर्कल या चक्र वर्ल्ड में व्यवस्थित रहती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है छटिन या एल्स टोनिया। अब बात करते हैं पर्ण आधार की, लीफ बेस की। तो संवहनी पौधों में जब पत्ती का परिवर्धन होता है, तो इसमें सबसे पहले विकसित होने वाला भाग लीफ बेस होता है, पर्ण आधार होता है। यह स्तंभ की ही अति वर्धित आकृति होती है तथा इसको पर्ण व्रंथ से विभेदित करना अत्यंत कठिन होता है। तो अनेक पौधों जैसे कुल लेग्यूमिनोसी के सदस्यों में फूला हुआ पर्ण आधार पाया जाता है, जिसे पल्विनस कहा जाता है। तो अधिकांश एक बीजपत्री पौधों जैसे पोएसी कुल के सदस्यों में पर्ण आधार फैलकर तने के पर्व संधि पर आधारीय हिस्से को आवृत कर लेता है। इस संरचना को पर्ण आच्छद कहते हैं, लीफ शीट कहते हैं। जब यह पर्ण आच्छद तने को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तो इस प्रकार की पर्ण को एम्प्लेक्सिकल कहते हैं, स्तंभलिंगी कहते हैं। मतलब जब बेटा पर्ण आच्छद तने को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तो इस प्रकार की पर्ण को स्तंभलिंगी एम्प्लेक्सिकल कहते हैं। इस प्रकार की पर्ण कई बार एवरंथ होती है, जैसे है एग्जाम्पल सोनकस में। इसी प्रकार से केले में पर्ण आच्छद इतना अधिक विकसित होता है कि इसके अनेक वलय वायवीय तने का आभास देते हैं। अब बात करते हैं पर्ण व्रंथ की, पिटियोल की। तो पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक एवं पर्ण आधार को जोड़ने का कार्य करता है, उसे पिटियोल कहते हैं, पर्ण व्रंथ कहते हैं। विभिन्न पौधों में पर्ण व्रंथ की उपस्थिति एवं इसकी आकृति तथा संरचना, इसकी आकृति तथा संरचना के आधार पर पत्तियों में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। तो कुछ पौधों की पत्तियों में पर्ण व्रंथ उपस्थित होते हैं, ऐसे पत्तियों को सैव्रंथ कहते हैं। जैसे कि बेटा आप सभी लोग जानते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन पत्तियों में पिटियोल पाया जाता है, पर्णव्रंथ पाया जाता है, उन पत्तियों को सैव्रंथ कहते हैं। मतलब ऐसी लीव्स जिनमें की पिटियोल पाया जाता है, उनको पिटियोलेट कहते हैं। जैसे कि पीपल की पत्ती, पीपल को क्या बोलेंगे, फाइकस रेलिजियोसा।
इसके विपरीत कुछ अन्य पौधों जैसे कि आक है, कैलोट्रोपिस है, की पत्तियों में पिटियोल पर्णव्रंत अनुपस्थित होता है, तो इस प्रकार की पत्तियों को सेसाइल कहते हैं, एव्रंत कहते हैं, मतलब जिन पत्तियों में बेटा पिटियोल नहीं पाया जाता, पिटियोल अनुपस्थित होता है, पर्णव्रंत नहीं पाया जाता, उन पत्तियों को एव्रंत कहते हैं। तो कुछ अन्य पौधों जैसे जलकुंभी, आइकोनिया एवं केला मतलब म्यूसा की पत्तियों में उपस्थित पर्णव्रंत स्पंज की भांति होती है। जलकुंभी मतलब आइकोनिया, जलकुंभी का स्पंजी पर्णव्रंत पौधे को तैरने में सहायक होता है। तो मतलब जो जलकुंभी है, आइकोनिया है, उसमें पिटियोल कैसा पाया जाता है, स्पंजी पाया जाता है, और चूंकि जलकुंभी में पिटियोल स्पंजी होता है तो इट प्रोवाइड्स ब्यूएंसी टू द प्लांट। तो रूटेसी कुल के अनेक सदस्यों जैसे नींबू, नारंगी एवं मौसमी इत्यादि पर्णव्रंत के दोनों ओर पंख के समान अतिवृद्धि पाई जाती है, इसे विंग्ड पिटियोल कहते हैं। एक नाम है पार्किंसोनिया तथा एक अन्य रोचक उदाहरण है अकेशिया मेलेनोजाइलॉन। अकेशिया मेलेनोजाइलॉन जिसको कि ऑस्ट्रेलियन बबूल कहते हैं, में पर्णव्रंत चपटा एवं हरा हो जाता है। क्या एग्जांपल है पार्किंसोनिया व अकेशिया मेलेनोजाइलॉन में बेटा जो पिटियोल है वो कैसा हो जाता है, पर्णव्रंत चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है, तथा पर्णव्रंत प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है एवं यह पर्णव्रंत सामान्य पत्ती के समान दिखाई देता है। इस प्रकार की संरचना को पिलोड कहते हैं, PHYLLOD। इस प्रकार की संरचना को पिलोड कहते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां भी निकलती हैं। यह व्रंत फलक पिलोड संयुक्त पत्ती की तुलना में वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन को कम करने में सहायक होता है, अतः इसे जीरोफिटिक, अतः इसे मरुद्भेदीय आकारी की अनुकूलन लक्षण भी कहा जा सकता है। कुछ पौधे जैसे कि बेटा क्लीमेटिस की पत्तियों में पर्णव्रंत टेंड्रिल्स के रूप में, प्रतानों के रूप में कार्य करते हैं तथा पौधे के आरोहण में सहायक होते हैं। इस प्रकार के पौधों को टेंड्रिल क्लाइंबर्स, प्रतान आरोही कहते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पिटियोल, पर्णव्रंत के कार्य क्या होते हैं। तो पर्णव्रंत के प्रमुख कार्य हैं, पहला है यह पत्ती को मतलब पिटियोल पत्ती को उचित मात्रा में प्रकाश उपलब्ध करवाने में प्रमुख रूप से सहायक होता है। दूसरा है जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को तने व शाखाओं से पत्ती की मुख्य संरचना तक पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा है विशेष परिस्थितियों में पर्णव्रंत पिटियोल प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपादित कर पौधे के लिए भोजन निर्माण करते हैं। चौथा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, पिटियोल का, पर्णव्रंत का। तो अनेक जलोद्भिद पौधों जैसे जलकुंभी, आइकोनिया एवं सिंगाड़ा ट्रापा में पर्णव्रंत स्पंज के समान होते हैं एवं पत्तियों को प्लावी अवस्था फ्लोटिंग कंडीशन में जल की सतह पर बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टिप्यूल्स एंड देयर टाइप्स, अनुपण व उनके प्रकार। तो कुछ पादप प्रजातियों में पत्तियों के आधार के आसपास हरे या शल्की कायिक उपांग पाए जाते हैं, इनको अनुपण कहते हैं या स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो पहले बात है स्टिप्यूलेट, अपन कहते हैं ना लीफ इज स्टिप्यूलेट, अनुपर्णी से क्या मतलब है, जिन पत्तियों में, जिन लीव्स में स्टिप्यूल्स अनुपर्ण पाए जाते हैं उन्हें स्टिप्यूलेट लीव्स कहते हैं। जैसे गुड़हल की पत्ती हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या चाइना रोज की पत्ती में स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, इसी प्रकार गुलाब रोज में भी स्टिप्यूल्स अनुपर्ण पाए जाते हैं। एक है एक्स स्टिप्यूलेट, मतलब जिन पत्तियों में अनुपर्ण स्टिप्यूल्स अनुपस्थित होते हैं उन पत्तियों को
एक्स स्टिपुलेट कहते हैं अर्थात अनुपण रहित कहते हैं। एग्जाम्पल है आइपोमिया में पत्तियों में स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते। एक है स्ट्राइपल STIPEL अनुपर्णिका, तो ये क्या होती है अनुपर्णों के समान उपांज जो कि एक संयुक्त पत्ती कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स के आधार पर उपस्थित होते हैं जैसे पेपिलियोनेसी कुल के सदस्य। एक बात करेंगे व्हाट आर फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, मुक्त पार्श्वीय अनुपर्ण किसे कहते हैं, तो दो मुक्त अनुपर्ण, दो मुक्त स्टिप्यूल्स जो पर्ण आधार के दोनों ओर विकसित होते हैं उन्हें फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स कहते हैं। जैसे गुड़हल या चाइना रोज में मुक्त पार्श्वीय अनुपर्ण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एडनेट स्टिप्यूल ये किसे कहते हैं, संलग्न अनुपर्ण, दो पार्श्वीय अनुपर्ण जो पर्ण व्रंथ के साथ एक निश्चित ऊंचाई तक चिपके रहते हैं और पर्ण व्रंथ को पंखों के समान बना देते हैं जैसे कि गुलाब रोज, जैसे कि बेटा गुलाब है रोज है। अब अपन मेन बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के प्रकार। एक तो है सिंपल लीफ, एक है कंपाउंड लीफ। तो सरल पर्ण क्या होती है, प्रत्येक ऐसी पत्ती जो एक्शन कोर होती है जो एंटायर होती है अथवा कभी फटी होने पर भी कटाव मध्य शिरा या पर्ण व्रंथ तक नहीं पहुंचता है उसे सिंपल लीफ कहते हैं। जैसे आम मैंगो व पपीता पपाया में सिंपल लीफ पाई जाती है। अब संयुक्त पर्ण किसे कहते हैं, कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं, ऐसी पत्ती जिसमें पर्ण फलक लेमिना का कटाव, ऐसी पत्ती जिसमें पर्ण फलक का कटाव जगह जगह पर मध्य शिरा या पर्ण व्रंथ तक पहुंचकर उसे दो या अधिक लीफलेट्स पर्णकों में विभाजित कर देता है उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। और मटर पी और पाइजम सेटाइवम में क्या पाई जाती है, कंपाउंड लीफ पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पामेटली कंपाउंड हस्ताकार संयुक्त, तो ऐसी संयुक्त पत्ती जिसके पर्णक पर्ण व्रंथ के अग्र सिरे पर जुड़े होते हैं और इस प्रकार एक सामान्य बिंदु से चारों ओर उसी प्रकार फैले प्रतीत होते हैं जिस प्रकार हथेली के चारों ओर की उंगलियां, यह निम्न प्रकार की होती है। तो पामेटली कंपाउंड लीफ कैसी होती है, एक तो है यूनिफोलिएट एक पर्णी, दूसरा है बाईफोलिएट द्विपर्णी, तीसरा है त्रिपर्णी ट्राईफोलिएट, चौथा है क्वाड्रीफोलिएट चतुष्पर्णी, फिफ्थ है मल्टीफोलिएट और डिजिटेट। तो एक पर्णी से क्या समझते हो, यूनिफोलिएट केवल एक पर्णक पर्ण व्रंथ के साथ जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है नींबू सिट्रस। और एक है द्विपर्णी बाईफोलिएट, तो बाई से मतलब है बाईफोलिएट, पर्ण व्रंथ के साथ केवल दो लीफलेट्स जुड़े होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है प्रिंसेपिया, एग्जाम्पल है प्रिंसेपिया। एक है त्रिपर्णी ट्राईफोलिएट, तो पर्ण व्रंथ के साथ तीन लीफलेट्स तीन पर्णक जुड़े रहते हैं, एग्जाम्पल है मेडिकागो। अब है क्वाड्रीफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट को क्या कहेंगे, पर्ण व्रंथ के साथ चार लीफलेट्स चार पर्णक जुड़े रहते हैं जैसे कि मार्सिलिया। एक है बहुपर्णी अथवा अंगुलाकार, मतलब मल्टीफोलिएट और डिजिटेट, तो पांच या इससे अधिक पर्णक पर्ण व्रंथ के साथ जुड़कर अंगुलियों की भांति चारों ओर फैले रहते हैं जैसे क्लियोम व बॉम्बेक्स में। अब बात करते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ की, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण क्या होती है, तो ऐसी संयुक्त पत्ती जिसमें पर्णक जिसमें लीफलेट्स एक सामान्य अक्ष कॉमन एक्सिस के दोनों ओर लगे होते हैं उसे पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और ये पिच्छाकार संयुक्त पर्ण
इमली में, टेमरिंड में पाई जाती है। तो ये भी मतलब पिनेटली कंपाउंड लीफ भी कैसी होती है, यूनिपिनेट भी होती है, एक पिच्छकी भी होती है, सम पिच्छकी भी होती है, पेरिपिनेट भी होती है, इम पेरिपिनेट भी होती है। तो एक पिच्छकी यूनिपिनेट किसे कहते हैं, तो ऐसी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती जिसके पर्णक सीधे मध्य शिरा के दोनों ओर जुड़े होते हैं उसे यूनिपिनेट लीफ कहते हैं। ये केसिया में पाई जाती है। अब बात करते हैं सम पिच्छकी किसे कहते हैं, पेरिपिनेट। तो ऐसी एक पिच्छकी संयुक्त पर्ण जिसमें लीफलेट्स की संख्या सम होती है, इवन होती है, जैसे कि इमली टेमरिंड। अब है विषम पिच्छकी मतलब इम्पेरिपिनेट, ऐसी एक पिच्छकी संयुक्त पत्ती जिसमें पर्णकों की संख्या विषम होती है, और होती है, जैसे गुलाब, रोज, नीम या मेलिया। अब है बाईपिनेट दी पिच्छकी किसे कहते हैं, ट्राईपिनेट किसे कहते हैं। तो पहले सुनते हैं बाईपिनेट, दो बार विभाजित हुई पिच्छाकार संयुक्त पत्ती अर्थात मध्य शिरा अक्षों को बनाती है जिन पर पर्णक लगे होते हैं, जैसे कि बबूल, अकेशिया। इसी प्रकार त्रिपिच्छकी ट्राइपिनेट, तो तीन बार विभाजित हुई पिच्छाकार संयुक्त पत्ती अर्थात द्वितीयक अक्षों से तृतीयक अक्षक निकलती है जिन पर पर्णक लगे होते हैं, जैसे सहजन, मोरिंगा। अब लास्ट अपन बात कर लेते हैं पुनर्विभाजित डी कंपाउंड, एक ऐसी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती जो तीन से अधिक बार विभाजित हो जाती है उसे डी कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे धनिये में पुनर्विभाजित डी कंपाउंड लीफ मिलती है, कोरिएंडर में, हजारा में, कॉस्मोस में। एक अपन बात करते हैं लीफ अटैचमेंट, पर्ण का संलग्नन। तो लीफ अटैचमेंट एक तो होता है बेटा एब्रंथ, ससाइल। एक क्या है, एब्रंथ है, ससाइल है, एक है ऑरिक्यूलेट, कर्णकार। ठीक है, तो ससाइल से आप क्या समझते हो, व्रंथ या डंठल विहीन पत्ती। मतलब ससाइल पत्ती क्या होती है, व्रंथ या डंठल विहीन पत्ती, जैसे कि डायंथस। एक है ऑरिक्यूलेट, तो ऐसी एव्रंथ पत्ती जिसके पर्ण आधार की पालियां आंशिक रूप से तने को घेरे रहती हैं, ऑरिक्यूलेट पत्ती कहलाती है, जैसे आंकड़ा या कैलोट्रोपिस। एक है एम्प्लेक्सिकल स्तंभलिंगी, तो ऐसी एव्रंथ पत्ती जिसकी आधारी पालियां पूर्ण रूपेण तने को घेरे रहती हैं, जैसे कि सोनकस। अब बात करते हैं अर्ध स्तंभलिंगी सेमी एम्प्लेक्सिकल, तो ऐसी एव्रंथ पत्ती जिसकी आधारी पालियां अपूर्ण रूप से तने को घेरे रहती हैं, जैसे कि रेनिकुलस में सेमी एम्प्लेक्सिकल लीफ पाई जाती है। नेक्स्ट टर्म है कोनेट, सहजात। तो ऐसी एव्रंथ पत्तियां जो तने के चारों ओर से होकर मिल जाती हैं, वह फिर परस्पर जुड़ जाती हैं, जैसे कि लोनिसेरा प्लावा, लोनिसेरा फ्लावा, FLAVA, जैसे लोनिसेरा, LONICERA, लोनिसेरा फ्लावा। ठीक है, ये हो गया अपना आज का